यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे लास्ट डे रूल सर्वाइवल। आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम अपने बेस की सारे सामान वगैरह खाली हो गया था, बट गाइस अभी अपने पास देखो काफी सारे सामान वगैरह दोबारा से आ चुका है, साथ ही साथ पॉइंट वगैरह भी काफी ज्यादा हो चुका है। एक्चुअली ये सारे के सारे लूट और पॉइंट हमको एक भाई ने गिफ्ट कर दिया है जो कि अपना ही सब्सक्राइबर था। असल में बात कुछ ऐसी कि इस सर्वर को जो टॉप टू का बंदा था वो असल में अपना सब्सक्राइबर ही था, एंड उनको ये सर्वर छोड़ना था तो उन्होंने अपने बेस के सारे लूट हमको दे के ये सर्वर छोड़ दिया है। उनके पास से हमें फार्मिंग वगैरह तो ज्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलती, लेकिन रूम का लूट हमें उनके पास से अच्छा खासा मिल जाती है, साथ ही साथ पॉइंट भी शायद 150 के आसपास था। तो फिलहाल तो देखो रूम का लूट अपने पास अच्छा खासा हो गया है, बट अपने पास अभी तक फार्मिंग नहीं आ पाया है कि हम अपने बेस को अपग्रेड कर दे। भाई अभी तक अपने बेस को हम स्टोन में भी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। सो अभी मैं जाने वाला हूँ फार्मिंग पे, थोड़ा बहुत सबसे पहले फूड वगैरह मैं खा लेता हूँ। अपना जो फूड भरे वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था, और फिर चलते यार शॉर्ट गन लेकर फार्मिंग पे। मैंने अपने सारे के सारे बंदे को भी बुलेट वगैरह दे दिया है ताकि सारे के सारे बंदे मिल के ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करें। ओके, तो मैंने 150 के लगभग शॉर्ट गन के बुलेट ले लिया है, तो किधर चले फार्मिंग के लिए। एक काम करते हैं, मैं बलित कैंप की साइड की तरफ चलता हूँ, उधर अच्छा खासा फार्म मिल सकता है हमको। हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन आयरन एंड सल्फर करना है, वैसे सारे ही तो करना है यार। चलो ठीक है, ऑलराइट गाइस। तो मैंने यार थोड़ा बहुत फार्मिंग करके अभी भी आ चुका हूँ। मैंने 150 बुलेट खत्म कर दिया है और मैंने थोड़ा बहुत स्टोन आयरन और सल्फर भी फार्म किया है। स्टोन मैंने ऑलरेडी अपने कैबिनेट पे डाल दिया है और बाकी बचा हुआ है अपने पास आयरन और सल्फर, जो कि मैं डाल रहा हूँ अपने फर्नेस रूम पे। यहाँ पे मैंने लास्ट फर्नेस लगा के रख दिया है, चलो लास्ट फर्नेस के अंदर डाल देता हूँ भर के बिल्कुल। एंड बाकी बंदे का इसमें आपको दिखाता हूँ कि क्या कर रहे हैं। मैंने जो उनको शॉटगन की बुलेट वगैरह दिया था उनका, वो लोग बिल्कुल काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है, दिखाता हूँ ज़रा। रुक जाओ, पहले इधर फार्म रखने दो, इधर देखो ज़रा क्या चल रही है। भाई जितने भी बंदे इस टाइम पे ऑनलाइन था मैंने सभी को बुलेट वगैरह दे दिया था फार्मिंग करने के लिए, और सभी ने भाई एक दूसरे को मार मार के बुलेट वगैरह ख़त्म कर दिया सारे के सारे। ये देखो ज़रा भाई एक दूसरे को मार ही जा रहा, भाई क्या मिलेगा भाई मार के एक दूसरे को। मैं जब फार्मिंग पे निकला था ना, ये लोग भाई तभी से फाइट कर रहे हैं और अब तक कर ही जा रहे हैं बस। खैर अभी मैं क्या ही बोलूं, इन लोगों का तो रोज का सीन है ये। देखो एक बंदा मर गया, अभी वो दोपहर से आके इसको मारेगा, बस ऐसे चलता रहेगा। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, इधर से अपना बेस रेड हो जाएगा और ये लोग आपस पे ही लड़ता रह जाएगा। खैर उसके बाद कश मुझे एक भाई का मैसेज आता है और वो कह रहे थे कि वो ये सर्वर बहुत पहले से खेल रहे हैं, एंड अभी सर्वर छोड़ देगा तो उसके पास थोड़ा बहुत जितना भी लूट है वो हमें लेने के लिए बोल दिया है। तो मैं अपना एक टीममेट को लेके पहुंच जाता हूँ उसकी बेस में, एंड बेस का टर्फ भी भाई ने हमको दे दिया है। यही है वो बंदा पटेल नाम का, और पता नहीं वो हिंदी में तो कुछ तो मैसेज कर रहा है जो कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा। एंड गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को हिंदी से मैसेज वगैरह मत ही करना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मुझे हिंदी का लेटर वगैरह भाई समझ में नहीं आता। फिलहाल देखो मैं आ चुका हूँ उनकी बेस के अंदर, यहाँ पे उन्होंने एक क्लोसेट लगा के रखा है। भाई ये क्लोसेट का स्किन जो है ना काफ़ी अजीब सा लगता है यार मुझे, ये तो काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है, देखो ज़रा कैसा दिख रहा है यार। चलो बट बढ़िया ही है ओवरऑल, तो अच्छी ही लगती है। मेरे पास भी ये था, मेरे को पता भी नहीं था। यहाँ पे फर्नेस के अंदर क्या है, ये थोड़ा सा वुड वगैरह है और सल्फर है, चलो मैं उठा लेता हूँ पूरा की पूरे बेस का। कैसे हम लूट वगैरह उठा लेंगे और उसके बाद पूरे बेस को ही तोड़ देंगे। इनकी बेस से यार हमें अच्छा खासा डबल बैरल शॉटगन वगैरह मिल जाती है, जो कि अपना फार्मिंग पे काम आने वाले काफ़ी अच्छा खासा, क्योंकि भाई अपने बेस में यार इतने सारे डबल बैरल शॉटगन हम बनाते हैं या फिर आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, तुरंत ख़त्म हो जाती है। बंदे ज़्यादा है ना तो कोई भाई इधर ले जाता है, फिर मर जाता है, गिर जाता है, पता नहीं कौन क्या चीज़ ले जा रहा है, बस ख़त्म हो रहा है। ऑलराइट गाइस, तो इस बेस की सारा का सारा सामान हमने शिफ्ट कर दिया अपने बेस तक। अभी टाइम आ चुका है इस बेस को तोड़ने का। बेस का जो ऑनर था वो तो अभी ऑफलाइन चला गया है, चलो कोई बात नहीं, भाई ने हमको कह दिया था भाई बेस तोड़ देना सामान ले जाने के बाद। एंड इस बेस से हमें क्या क्या सामान मिला वो तो गाइस मैं आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि वो वाली बार रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा बहुत ऐसे ही बता देता हूँ, मैं भी शायद से थोड़ा थोड़ा भूल गया, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रही है इस बेस से हमको 2-3 एयरगन मिल गया था। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें स्टील का और आयरन का भी आर्मर वगैरह भी मिल गया था, मतलब ओवरऑल काफी अच्छा लूट ही मिल गया था हमें। यहाँ पे देखो काफी सारे SMG वगैरह भी पड़ा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ ये SMG भी उठा लेते। पहले तो हमने SMG भी छोड़ दिया था, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी काफी सारे SMG पड़ा हुआ है और कोई चला भी नहीं रहा, हर एक बंदा फार्मास उजी या फिर एयरगन चला रहा है, बट फिर भी ये अपना बैग खाली है तो मैंने उठा ही लिया। रख देंगे भाई, फिर भी टिकता नहीं SMG भी, अगर मैं ऐसे ही कोई चेस्ट पे रख दूंगा इन सभी SMG को तुरंत ये खत्म भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए मैंने उठा लिया अपने बंदों लोगों के लिए। चल पूरा बेस ही हमने तोड़ दिया, तो चलो ऐसे अभी निकलते। भाई मेरा टीममेट को तो जरा देखो भाई आगे चला गया यार थोड़ा सा गाड़ी लेके, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ तक दौड़ के तो आ जाता हूँ। मेरे बैग में थोड़ा बहुत फालतू की आइटम वगैरह था जिनको मैंने फेंक दिया, और अपना टीममेट को देखो भाई यहाँ पे ऑफलाइन चला गया है।
अरे यार गलत टाइम पे ये तो ऑफलाइन चला गया, अभी मैं क्या करूँ, इसको मार दूँ क्या? एक काम कर देगा, जिसको मैं मार ही देता हूँ। वैसे तो अगर गाड़ी के अंदर कोई भी बंदा बैठा हुआ होता है तो हम उसको मार नहीं पाते, लेकिन गाइस अभी गेम पे काफ़ी ज़्यादा ग्लिच चल रहा है, जिसके कारण देखो बंदा अगर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ होते भी तो गाड़ी के ऊपर दिखता है ऐसे, तो इसीलिए मैं इसको मार पा रहा हूँ। तो इसको भाई टपका भी दिया मैंने। अभी क्या करें भाई, ग्लिच तो गेम वाले सही नहीं कर रहे भाई, आज अपडेट भी ला दिया लेकिन फिर भी ये ग्लिच सही हुआ ही नहीं। अगर आप गाड़ी चलाते हो आपकी टीममेट गाड़ी से बाहर निकल जाता है भाई, काफ़ी गंदा वाला ग्लिच है ये वाला। इनविजिबल वाला ग्लिच भी चल रहा था, इनविजिबल वाला ग्लिच मेरे ख्याल से अभी सही कर दिया है, मेंशन तो कर दिया कि सही कर दिया भाई, पता नहीं सही किया है कि नहीं। फिलहाल मैंने अपने टीममेट को मार के जो भी लूट गिरा था वो सब तो मैंने उठा लिया, तो जल्दी जल्दी अभी पहुँच जाते हैं अपने बेस पे। उसके बाद गाइस हमें पता लगता है एयरपोर्ट पे टैंक रिस्पॉन हो गया है, तो हम भाई जल्दी जल्दी तैयारी वगैरह करके पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं आज पहली बार घोड़े के ऊपर राइड कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं नहीं चला रहा, मेरा एक टीममेट चला है, मैं बस पीछे बैठा हुआ हूँ। वैसे सच्ची में घोड़े की राइड में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मैंने सुना है कि घोड़े से आईडी वगैरह बैन होती है, इसीलिए मैंने घोड़े के साथ कभी मजाक मस्ती किया ही नहीं, लेकिन आज भाई फिर भी थोड़ा सा रिस्क लेके बैठ गया। फिलहाल हम पहुंच चुके एयरपोर्ट पर टैंक किल करने के लिए, अपने बाकी बंदे बस आते ही होंगे, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे दो बंदे, तो मैं इसको मारने का काम स्टार्ट कर देता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला गाइस इसको किल करने में, अगर अपने सारे के सारे बंदे ने इसके ऊपर गोली चलाना स्टार्ट किया तब तो फिर ये यार एक मिनट के अंदर किल हो जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे अपना काफ़ी ज़्यादा बंदे ऑनलाइन है। लेकिन गाइस दिक्कत की बात वो नहीं है, दिक्कत की बात ये है कि कहीं थर्ड पार्टी वगैरह ना हो जाए। एयरपोर्ट के बाजू पे ही काफ़ी बड़े बड़े बेस वगैरह भी बना हुआ है, तो वो लोग आके थर्ड पार्टी कर सकता है। भाई थर्ड पार्टी छोड़ो, यहाँ पे हो गया था गलत सीन, मैं उधर टैंक को किल कर रहा था और उसी दौरान अपना गेम ही क्रैश हो जाती है, और सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ जो टीममेट था उसका भी सेम उसी टाइम पे क्रैश हो जाती है। अभी पता नहीं यार इस सर्वर पे क्या चल रही है, गेम के साथ क्या लॉचर चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रहा है आजकल। वैसे तो मेरा डिवाइस यार देखो क्रैश होता नहीं, लैग होता है लेकिन क्रैश होता नहीं, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। खैर जो भी हो, गेम क्रैश होने के बाद टैंक ने तो मेरे को किल कर दिया था। अभी मैं दोबारा से भाई बेस से यहाँ तक आ गया, मेरा लूट अभी भी उसी जगह पे पड़ा हुआ है, किसी ने शायद से उठाया नहीं, मेरे को उठाना पड़ेगा, वरना ज़्यादा टाइम तक अगर रहेगा तो डिस्पॉन हो सकता है। तो भाई यार इधर अपना एक बंदा नॉकडाउन हो जाता है, रुक जाओ यार इसको पहले से रिवाइव करने दो, वरना अगर ये भी किल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी यार, सारे बंदे अगर ऐसे किल हो जाएगा तो, क्योंकि किल फिट ज़्यादा चमक जाएगा, उसके बाद बंदे को पता लगेगा भाई टैंक है, तो बंदे लोग आके थर्ड पार्टी करेगा। ओके मैंने अपने टीममेट को रिवाइव तो कर दिया, अभी सामने की तरफ मेरा लूट पड़ा हुआ है, बट टैंक का फोकस शायद से मेरे ऊपर ही है, तो मैंने इसलिए रुका नहीं, बस ऊपर वाला लूट मैंने उठा लिया, गन आ गया यार मेरे हाथ पे, चलो बढ़िया है, बट टैंक का फोकस मेरे ऊपर ही है यार, हट जा भाई दूसरे बंदे को भी मार। मैंने अपने टीममेट को कह दिया भाई टैंक का ध्यान खींचने के लिए, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान पता नहीं क्यों मेरे ऊपर ही है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं अपनी लूट उठाने के लिए। ये देखो भाई गोली आ रही है इधर टैंक का, बट मेरे को टच नहीं होगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे बैंडेज पट्टी कर लेता हूँ खुद को, मास्क तो है मेरे पास, अगर मास्क नहीं होता तो डैमेज हो जाता यार, रेडिएशन वगैरह लगता काफ़ी ज़्यादा। टैंक का फोकस अभी मेरे ऊपर नहीं है, तो मैं जल्दी से आके इधर से लूट वगैरह उठा लेता हूँ भाई, रिस्क नहीं लेने का, मैंने सारा लूट उठा लिया ना, आई थिंक नहीं उठाया अभी तक, तो चलो दोबारा से एक बार चलता हूँ। और ओके गाइस, तो मैंने अभी यार सारे के सारे लूट मैंने उठा लिया, आर्मर वगैरह पहन लेते, टैंक लगभग फूटने वाला यार, अपने टीममेट ने ही पूरा काम कर दिया, टैंक का एचपी पूरा खत्म सा हो चुका है, तो लास्ट गोली मैं ही चला देता हूँ और पूरा टैंक ही फोड़ डालते। अभी देखते हैं टैंक को ठंडा होने तक हमें वेट करना पड़ेगा, फिर देखते हैं डीफ्री बनर हमें मिलता है कि नहीं। मेनली तो हमें बस डीफ्री बनर ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बार डीफ्री बनर मिल जाए, क्योंकि बिना डीफ्री बनर का भाई हम तो कुछ भी कर नहीं सकते, बेस को भी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट गाइस, सो फाइनली यार टैंक ठंडा हो चुका है, यार लूट तो देखने दो। ओके तो यहाँ पे हमें ऑटो कैनन मिल जाती है, 5 पॉइंट भी मिल जाती है, हैंड भाई एयर गन वगैरह भी मिल जाती है, एंड साथ ही साथ एक बढ़िया चीज़ भी मिलती है जो कि है डीप रिफाइनर, तो जिसका भाई तलाश था वो चीज़ फाइनली हमको मिल गया है, अपने एक टीममेट ने उठा लिया है, घोड़े वाले बंदे नहीं उठाया। तो चलो मैं इसके साथ ही चलता हूँ घोड़े की राइड करते हुए, काफ़ी मज़ा आता है वैसे यार घोड़े की राइड करने में। अभी के टाइम पे गाइस गेम पे एक काफ़ी खतरनाक सा ग्लिच चल रहा है, जो कि अगर आप कोई भी चीज़ को प्लेस करते हो तो कभी कभी क्या होता है वो चीज़ टूट जाती है, चाहे आप दीवार से चिपका के लगाओ या फिर खुली एरिया पे लगाओ, भाई मैं स्लीपिंग बैग भी लगाता हूँ वो तो टूट जा रही है। तो अभी मैं बस यही सोच रहा हूँ कि डिफ्रिपेनर अगर मैंने लगा दिया गलती से भी अगर वो टूट गया तो अपना क्या होगा, इसीलिए यार मैंने सोचा कि क्यों ना चलो हम डिफ्रिपेनर का रेसिपी ही निकालेंगे, उसके बाद ही उसको प्लेस करेंगे बना के।
ओके गाइस, तो डी फ्री फायर मैंने इस बंदे से ले लिया अपने बेस में पहुंच के। मैं अभी डी फ्री फायर को रख दूंगा, बाद में मैं इसका रेसिपी निकाल के बना के प्लेस कर दूंगा कहीं पे। तो फिलहाल आज के वीडियो पे इतना ही था गाइस। आई होप आप सभी लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे साथ खेलने के लिए अपने डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर से ज्वाइन करके रखना। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे होगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूं उसकी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। You're my